नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। चमोली से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां टीएचडीसी के ग्रामीणों ने धक्का मारकर वहां के ग्रामीणों को बाहर निकाला। आपको बता दें कि 444 वॉट की पीपल कोटी जल बिजली परियोजना के तहत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने धक्के मारकर उनको घर से निकाल दिया। दरअसल गोपेश्वर के हाट गांव में बीते दिनों जल बिजली परियोजना के लिए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की गई थी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने इसके विरोध में मौके पर प्रदर्शन किया था। ऐसे में विरोध करने पर कुछ लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई, जिसमें कुछ महिलाओं को भी पुलिस वहां से कहीं और ले गई। जानकारी के मुताबिक 444 वॉट की पीपल कोटी जल बिजली परियोजना के तहत ये ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। ऐसे में आज जब एक बार फिर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो टीएचडीसी ने ग्रामीणों को धक्के मारकर सभी को बाहर निकाला, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह मौके पर ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा है और महिलाओं और बच्चों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी टीएचडीसी ने ध्वस्तीकरण का प्रयास किया था। इस दौरान कुछ लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया था, जिसके चलते कार्रवाई रोक दी गई थी। ऐसे में टीएचडीसी की ओर से एक बार फिर ग्रामीणों के साथ किया गया ये व्यवहार काफी निंदनीय है। देखो रक्षाबंधन का महिलाएं आप मायके गई है, इस समय मौका पाया है। हम तो भाई के पास गए हैं, महिलाएं अच्छा मौके पे आ गए। देखो रक्षाबंधन का टाइम आया, लोग महिलाएं अपनी मायके गई हुई है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।